देखिए, हम अपने भारतवर्ष के अपने ऋषि मुनियों का और विशेष तौर से बाबा रामदेव जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हम सब भारत के लोग अभिनंदन करते हैं। योग रोज करें और आपाधापी में से अपने लिए समय ज़रूर निकालें, उससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका आसपास का वातावरण भी बहुत स्वस्थ और अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से हम ब्रजवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं, भगवान कृष्ण की नगरी है और योगेश्वर भगवान कृष्ण की नगरी में मैंने पहले ही आपसे अपील की है कि हर घर में हम लोग योग करते ही हैं। ये ऋषि मुनियों की भूमि है, सब संतों की भूमि है, ब्रजवासियों की भूमि है। हम सौभाग्यशाली हैं उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे यहाँ कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, बाबा विश्वनाथ भी हैं, तीर्थों का राजा प्रयागराज भी है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। योग करें, रोज करें। सर, हम सभी युवाओं के प्रेरणा हम ये चाहेंगे कि सर हमारे मथुरा वृंदावन में आज भी आपको जो ये ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि आप पूर्व ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज भी आपसे बात करके ऐसा लग रहा है, आज मॉर्निंग, आज 21 जून ये इंटरनेशनल योगा डे, वास्तव में ऐसा लग रहा है आज हमारे मंत्री ने आज हम सबके आप एक ऊर्जा देने के लिए, योग के प्रति जो आपने ऊर्जा दिया है सर, इसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर आपसे कि हमारे मथुरा वृंदावन में आप जैसे युवा हमारे प्रतिनिधि हैं, क्या एक बढ़िया योग सेंटर का यहाँ पे ओपनिंग होगा? निश्चित रूप से, क्यों नहीं। हम तो योगा सेंटर की व्यवस्था, हम तो बहुत मतलब हम छोटी से छोटी इकाई तक ले जा रहे हैं। आज गांव में भी अगर हमारे को टीम उपलब्ध होती है, कहीं से मिलता है कि वहाँ योग करने वाले हैं, तो वहाँ भी हम योगा शिक्षक भेजने का प्रयास करते हैं। ये हम लोगों को लग रहा है, हम ब्रजवासियों को ये लगने लगा है, क्योंकि कृष्णम मंदिर जगतगुरु, जिस स्थान से जन्मा हमारे कन्हैया, जगत गुरु पहले ही कहला चुका, आज 5,500-6,000 वर्ष पहले, आज उसी को स्थापित हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी जो कर रहे हैं, आज भारत को आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो संस्कृति हमारी, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट किया सर। निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें विलुप्त हो रही थी। 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वैचारिक रूप से पूरे विश्व ने हमारी जो संस्कृति है उसको स्वीकार किया। हम लोग सनातनीय हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है भारत के लोगों की, तो कहीं ना कहीं उसकी स्वीकार्यता धीरे धीरे विश्व पटल पर बढ़ रही है और योग उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है। आज पूरे विश्व ने योग को स्वीकार किया है। पर्यावरण को लेकर हमारी जो हमारे जो मानक हैं, पूरा विश्व उन मानकों का कहीं ना कहीं मुरीद है। जिस तरह से हम तो स्वास्थ्य को लेकर हम हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत काम किया और उसको लेकर धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे हैं, तो उससे हमारा जो सबसे छोटी इकाई हमारा गांव है वो कैसे अछूता रहेगा। तो पूरे ब्रज के लिए भी आने वाले समय में आप देखेंगे योग करने वाले लोग अगर हमें मिलेंगे तो प्रयास करेंगे, मतलब हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप योग करिए। सर, सभी ब्रजवासियों को और हमारे ठाकुर जी के जितने पुजारी हैं, ग्वाल बाल हैं यहाँ के, ये सब आपको मुखिया बना करके मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से, मैं तो सर इस बार कोशिश हम आपकी, हम लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए कि सर एक बार अगले 21 जून से पहले एक अच्छा योग सेंटर। मैंने कहा आपसे, यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं अच्छा योग सेंटर हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था हो और गांव-गांव तक हम अपने जो योगाचार्य जी हैं उनको भेजकर और लोगों को प्रेरित करें। हर गांव में योगाचार्य हम लोग बना रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे आप 21 तक, जब हम 23 में जब 21 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे योगा दिवस, तो हमारा प्रयास रहेगा कि छोटी से छोटी इकाई तक हमारा योग का शिक्षक वहाँ आपको उपलब्ध मिले, जिससे कि जो लोग योग सीखना चाहते हैं उनको आसानी से हम लोग योग सिखा सके। बहुत बहुत सादर आभार हमारे माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री जी को, आपने इतना सुंदर संस्कृति और योग पर इतना अच्छा आपने अपनी दो बातें रखी है, इसके लिए अध्यात्म मीडिया परिवार आपको बहुत बहुत साधुवाद शुभकामनाएं देता है। राधे राधे, बने रहिए अध्यात्म मीडिया के साथ। मैं कन्हैया पांडे, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ, राधे राधे।